नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइन सा। संघ के आजीवी बनाव के निर्णय तत्काल कार्य नहीं करो सरकार के सर्वोच्च आदेश। आईजीपी में चंदक नियुक्ति सरकारक लापरवाही रहल नया शक्ति संयोजक डॉक्टर भट्टराय के आरोप आमरण अनशन में जनौले प्रति देखे बजता। ललितपुर के संखमूल स्थित यूएन पार्क नजदीक के त्रिभुवन विश्वविद्यालय के शिक्षा अध्यक्ष सुधा त्रिपाठी के गाड़ी में आगजनी। सरकार में पहुंचे के हड़बड़ी के कारण फास्ट ट्रैक के नाम में जल्दी जल्दी संविधान जारी कला से परिणाम अखन देश भोग रहा पूर्व राष्ट्रपति यादव के कहब। आ गैरकानूनी रूप में अमेरिका में रह रहा सयो अप्रवासी पकड़ाओ 30 लाख गैरकानूनी अप्रवासी से त्रास में। सर्वोच्च अदालत डीआईजी जय बहादुर चंद के प्रहरी महानिरीक्षक आईजीपी पद में नियुक्त करके सरकारक निर्णय तत्काल कानूनी नहीं कर अंतरिम आदेश जारी कल रवि दिन सरकार चंद के आईजीपी में बढ़ुआ केने किछुए घंटा नहीं बीत सर्वोच्च प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति संबंधी निर्णय तत्काल लागू नहीं कर अंतरिम आदेश दिलक। अधिवक्ता कपिल देव ढकाल दायर केने रिट निवेदन ऊपर के बहस में प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की सरकारक निर्णय कानूनी नहीं कर उत्प्रेषण युक्त अंतरिम आदेश दिलक। बीतल शुक्र दिन अधिवक्ता ढकाल वरीयता क्रम अनुसारे नेपाल प्रहरी के महानिरीक्षक नियुक्त कर सरकार के आदेश कर मांग करते सर्वोच्च में रिट दायर केने छलथ। वही विषय में अदालत बहस पैरवी कर सागवे सरकार आईजीपी नियुक्ति कला के बाद अधिवक्ता ठकाल निर्णय बदल कर के मांग करे पूरक निवेदन देने छलथ। कानूनविद डॉक्टर चंद्रकांत गेवाली अदालत के आदेश संगे वरीयता क्रम में आगू रहल वरिष्ठ अधिकारी के प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति कर सरकार बाध्य हाथ बतौलथ। प्रहरी नियमावली आ कानून से कायम मुकायम प्रमुख राख उचित नहीं हाथ कहे तो वही के कल्पना नहीं कला से सरकार के तत्काल वरिष्ठता आ योग्यता के आधार में प्रहरी प्रमुख तो के कानूनविद गेवाली बतौलन। आईजीपी के दावेदार चंद वरीयता क्रम में तेसर तथा नवराज सिलवाल पहल आ प्रकाश अर्याल दोसर वरीयता में छथ। डीआईजी जय बहादुर चंद के महानिरीक्षक बनाव के मंत्री परिषदक निर्णय विरुद्ध दोसर डीआईजी नवराज सिलवाल सर्वोच्च अदालत में रिट दायर कल रवि दिन बेरिया में सिलवाल सरकार वरीयता कार्य संपादन आ कार्य क्षमता के आधार के लत्यवित प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त कने कला से अपना के अन्याय भेल कहे सर्वोच्च में रिट देने छथ। महानिरीक्षक के दावेदार सेहो रहल सिलवाल वरीयता के क्रम में तेसर स्थान में रहल चंद के आईजीपी बनौला से प्रहरी के चेन ऑफ कमांड में सेहो असर पड़ल जिक्र कने छथ। ऐसे आगू सर्वोच्च चंद के महानिरीक्षक के रूप में काम नहीं कराब अंतरिम आदेश जारी कर चुकल। वैसे आगू मंत्रिपरिषदक बैसार से नेपाल प्रहरी के आगामी नेतृत्व जय बहादुर चंद के देव के निर्णय कने छल। रवि दिन बैसल मंत्रिपरिषदक बैसार से नेपाल प्रहरी के आगामी महानिरीक्षक में नया प्रहरी महानिरीक्षक जय बहादुर चंद के नियुक्त कर के निर्णय कने छल। संगे सरकार सशस्त्र प्रहरी बल के प्रमुख में अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक सिंह बहादुर श्रेष्ठ के नियुक्त कने अछि। नेपाल प्रहरी के प्रमुख प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्र कांत अर्याल के समय रवि दिन सम्पन्न भ गेल अछि। सरकार वरीयता के उल्लंघन करे ते नेपाल प्रहरी के महानिरीक्षक नियुक्ति केने कहे ते युवा सब विरोध केने अछि। रवि दिन माइतीघर मंडला में जमा भेल युवा सब नेपाल प्रहरी के वरीयता अनुसार वरिष्ठ अधिकृत के महानिरीक्षक नियुक्ति नहीं कयल गेल कहे तो सब विरोध केने अछि। नेपाल प्रहरी जेहन संस्था में राजनीतिक नेतृत्व सब विभिन्न प्रलोभन में पड़ि के कनिष्ठ प्रहरी अधिकृत के महानिरीक्षक नियुक्ति केने ओकर सभक आरोप अछि। युवा सब स्वार्थ पूरा कर वरीयता उल्लंघन कला से समग्र प्रहरी प्रशासन के मनोबल बिगड़त कहत निर्णय सच्चा सेहो सरकार के ध्यान आकर्षण करने अछि। लोकतंत्र के मूल्य मान्यता विपरीत गृहमंत्री विमलेन्द्र निधि अपन राजनीतिक उद्देश्य पूरा कर तेसर वरीयता में रहल वरिष्ठ प्रहरी अधिकृत के महानिरीक्षक नियुक्त कने उनकर सभक आरोप अछि। राजनीतिक संस्कृति आ विभिन्न प्रलोभन में गलत लोक सब के अवसर दक विधि के शासन के उल्लंघन केने विरोध कारण विरोध प्रदर्शन के सहभागी सब उपराग देने अछि। सरकार रवि दिन तेसर वरीयता में रहल जय बहादुर चंद के प्रहरी महानिरीक्षक में नियुक्त कलक। जय बहादुर चंद के प्रहरी महानिरीक्षक बनाब के निर्णय प्रति पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर बाबूराम भट्टराय सेहो आपत्ति जनौलथ। थानापुर में रवि दिन पत्रकार सब संगक बातचीत क्रम में डॉक्टर भट्टराय वरीयता क्रम के उल्लंघन करते चंद के महानिरीक्षक बनाब के सरकारक निर्णय प्रति आपत्ति जनौलथ। वो सुरक्षा निकाय प्रशासन अदालत लगायत क्षेत्र में दलीय भाग बंडा के आधार में नियुक्ति कैल जाय वाला कार्य के अंत्य होब पर जिक्र कल। वो दल सबक एहने रवैया के कारण देश में भ्रष्टाचार बढ़ल आ सुशासन कायम होब नहीं सकल सेहो आरोप लगल। नया शक्ति पार्टी नेपालक संयोजक सेहो रहल भट्टराय संशोधन बिना संविधान कानून होब नहीं सकत दावी कल। वो चुनाव से आगू संविधान संशोधन कर पर सेहो धारणा रखत। डॉक्टर भट्टराय नेपाल के पुरान राजनीतिक दल सब देश के लिए किस कर सकत से देख कर अपने सब नया शक्ति के रूप में बताने छलथ। ललितपुरक संखमूल स्थित यूएन पार्क नजदीक के त्रिभुवन विश्वविद्यालय के शिक्षा अध्यक्ष सुधा त्रिपाठी के गाड़ी में आगजनी भेल। अज्ञात समूह 2256 नंबर के सरकारी गाड़ी में आगजनी केने प्रहरी अखन आगि मुझलक आ आगजनी करवला सबके खोजी भ रहल
प्रहरी इंस्पेक्टर गोविंद पंथी जानकारी दिला था गाड़ी में शिक्षा अध्यक्ष त्रिपाठी नहीं चला था। आई पांचौ विश्व रेडियो दिवस नेपाल में सेहो विभिन्न कार्यक्रम का मनाओल जा रहा है। सन् 2012 सम्म मनाव शुरू कैल गेल विश्व रेडियो दिवस अवसर में नेपाल में विभिन्न कार्यक्रम का मनाओल जात स्पेन के प्रस्ताव में यूनेस्को के 36वां सम्मेलन से सन् 2011 नवंबर 3 तारीख में हरेक वर्ष के फेब्रुअरी 13 तारीख के रेडियो दिवस के रूप में मनाव के घोषणा कैने छल। नेपाल में 2003 साल में काठमांडू में रेडियो के प्रसारण शुरू हुई तो औपचारिक रूप में 2007 साल अघन 28 गते से प्रजातंत्र रेडियो के नाम में रेडियो संचालन शुरू भेलै छ। विश्व में व्यावसायिक रेडियो प्रसारण शुरू भेल 94 वर्ष भेलै छ। नेपाल में 2052 साल से एफएम प्रसारण शुरू भेलै छ। अखन देश के प्राय जिला में एफएम रेडियो स्थापना भेलै छ। नेपाल जेहन साक्षरता तथा शिक्षा के पहुँच कम रहल देश में रेडियो के प्रभावकारी संचार माध्यम के रूप में लेल जात अछि। बृहत्तर के अध्यक्ष राम कुमार शर्मा आ नया शक्ति नेपालक नेता कलामुद्दीन नाइन के आंदोलन प्रति नया शक्ति संयोजक डाक्टर बाबूराम भट्टराई एक के बद्धता जनौलेन। शर्मा आ राइन सात सूत्रीय माग रखत 12 दिन से अनशन में बैसल छ। जनकपुरक जनक चौक स्थित अनशन स्थल पहुँच कर संयोजक भट्टराई हुनकर सभा के आंदोलन प्रति एक के बद्धता जनौलत। ओ शर्मा आ राइन जर्जर अवस्था में रहल जनकपुरक विकास के लिए आंदोलन केने कहत सबके एक के बद्धता जनाब आग्रह कल। संयोजक भट्टराई ओ सब उठाने माग कोनो पार्टी के नहीं भकर संपूर्ण जनकपुरवासी के माग रहा दावी कल। अनशन स्थल में भट्टराई बैसल समय में प्रधानमंत्री प्रचंड हुनका फोन केने छल आ भट्टराई प्रधानमंत्री के अपन नेता सभक आमरण अनशन के विषय में प्रधानमंत्री के जानकारी कराने छल। ओहि क्रम में बृहत्तर के अध्यक्ष राम कुमार शर्मा लोकतंत्र होला के बाद जनकपुर में विकास से होब नहीं सकल उपराग दिलत। नेपाल में लोकतंत्र के नामे लूटतंत्र हावी भेल सेहो बतलत। नया शक्ति नेपालक नेता समेत रहल शर्मा अपना सभक माग संबोधन नहीं होब धरि अनशन जारी राखब सेहो अड़ान रखलत। जनकपुरक आर्थिक विकास और समृद्धि में प्रभाव कर जेहन संस्थागत रूप में भ्रष्टाचार बढ़ल कहत सात सूत्रीय माग रखत ओ सब जनक चौक में आमरण अनशन में बैसल छत। लगातार अनशन के कारण हुनकर सभक स्वास्थ्य अवस्था सेहो बिगड़ जा रहल छ। नेकपा क्रांतिकारी माओवादी 22वां जनयुद्ध दिवस समारोह मनौलक छ। रवि दिन जनकपुर में हँसिया हथौड़ा के रंगीली बनाकर जनयुद्ध दिवस मनौलक छ। नेकपा क्रांतिकारी माओवादी के केन्द्रीय सदस्य तथा धनसा जिला इंचार्ज रोशन जनकपुरी देश में गणतंत्र धर्मनिरपेक्षता जेहन आंशिक सकारात्मकता रहितो सार में दलाल तथा नौकरशाही एवं सामंत वर्ग के स्वार्थ के प्रतिनिधित्व करे वाला वर्तमान संविधान मजदूर किसान लगायत संपूर्ण उत्पीड़ित श्रमिक वर्ग आ उत्पीड़ित जात क्षेत्र के निम्ति धोखा रहल बताने छत। उपवर्गीय जातीय समानुपातिक शासन व्यवस्था आ जातीय तथा क्षेत्रीय स्वायत्तता में आधारित पहचान सहितक संघीय राज्य व्यवस्था अपरिहार्य रहल बतौलत। ओ समारोह में केन्द्रीय सलाहकार शीतलकर्ण जिला सेक्रेटरी खेमराज यादव आ मोर्चा इंचार्ज नंद कुमार झा लगायत के उपस्थिति रहल छल। जनकपुर अंचल बस चालक भलाई संगठनक अध्यक्ष में सरोसा चुनाल छत। जनकपुर में रवि दिन भेल संगठन के प्रथम अधिवेशन से शाहक नेतृत्व में 11 सदस्य कार्य समिति चयन कलक। उपाध्यक्ष में प्रवण कुमार पांडे, सचिव में एकराज बंजारा, उप सचिव में हरिनारायण राय आ कोषाध्यक्ष में दिल रंजन सिंह चुनाल छत। तैनात का सदस्य सब में वीरेन्द्र यादव, फुलगेन शाह लगायत के रहा। अधिवेशन में नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ राष्ट्रीय कमिटी सदस्य तथा जनकपुर अंचल अध्यक्ष राम नरेश सिंह, नेपाल यातायात स्वतंत्र मजदूर संगठन के पशुपति रेग्मी, पूर्व केन्द्रीय सदस्य शिव नारायण यादव संगे चालक सभक सहभागिता छल। स्वतंत्र मधेश गठबंधन के संयोजक डाक्टर सी के राउत के थप 10 दिन हिरासत में राख अदालत अनुमति दिलक। अगला मैच सम्पन्न भेला के बाद रवि दिन सीधा अदालत पठाओल गेल। डाक्टर राउत के अनुसंधानक लेल प्रहरी के अदालत थप 10 दिन दिलक। संगठित अपराध विरुद्धक मुद्दा चलाव के तैयारी में रहल लहान प्रहरी के माग बमोजिम अदालत 10 दिन देने अछि। एहि बीच राउत के अदालत आनक के खबर संगे हुनकर समर्थक सब सीधा में प्रदर्शन केने छल। ओहि क्रम में प्रहरी संग झड़प भेला के बाद राउत के समर्थक सब घायल भेल अछि। अहिना के 7 गोटे पकड़ाव पड़ल अछि। डाक्टर राउत के माघ 20 गते जनकपुर से हिरासत में लेल गेल छल। छह सूत्रीय माग रखत कर्मचारी आंदोलन में उतरला के बाद मोरंग जिला विकास समिति या नगर पालिका के काज सब बंद रहल। मोरंग जिला के जीविसा आ उपनगर पालिका सहित 7 नगर पालिका के कर्मचारी आंदोलित बनला के बाद कार्यालय के कामकाज ठप भेल। स्थानीय ट्रेड यूनियन के अगुवाई में आब बनय वाला स्थानीय तह के नया संरचना सब में स्थानीय निकाय में कार्यरत संपूर्ण कर्मचारी सबके पहल प्राथमिकता में राख पड़त। स्थानीय तह के संरचना सब में कर्मचारी के व्यवस्थापन आ समायोजन करे काल हाल स्थानीय निकाय में कार्यरत कर्मचारी के पहल प्राथमिकता देव के स्थानीय निकाय के निर्वाचन अविलंब कर लगायत के मांग सब रखे कर्मचारी सब स्थानीय निकाय के कामकाज ठप कने। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर रामवरण यादव दल सब सत्ता के
प्राथमिकता देला सा देश में राजनीतिक जटिलता बढ़ल आरोप लगल नै छ। पूर्व राष्ट्रपति यादव सत्ता के आगू आ संविधान के पाछू राख के दल सबक व्यवहार के कारण से देश संकट में फसल जिकिर से कैलत ओ सरकार में पहुँच के हड़बड़ी के कारण किस दल सब फास्ट ट्रैक के नाम में जल्दी जल्दी संविधान जारी केने परिणाम अखन देश भोग रहा से उल्लेख कैलत। रवि दिन काठमांडू में टोटल राष्ट्रीय मासिक पत्रिका के विमोचन करे पूर्व राष्ट्रपति यादव राजनीतिक परिवर्तन हो तो देश समृद्धि के दिश में आगू बढ़ नहीं सकल कहे चिंता व्यक्त कराए थे। पूर्व राष्ट्रपति यादव अंतरिम संविधान से मधेशी के देने अधिकार सेहो नया संविधान में कटौती भेल कहित अखन संविधान संशोधन क के दल सब के निकास देव पर तर्क दिलत। पत्रिका के लोकार्पण कार्यक्रम में सहभागी सब बदल रहा समाज आ संचार माध्यम के भूमिका के विषय में चर्चा कने छल। स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोग तेने प्रतिवेदन ऊपर के उपराग अध्ययन कर गठित कार्यदल दू नंबर प्रदेश सह प्रतिनिधित्व तो केनिहार सांसद सब संग परामर्श शुरू कलक। स्थानीय तह पुनर्संरचना के विषय में प्राप्त उपराग अध्ययन का मंत्री परिषद में सुझाव देवल कार्यदल दू नंबर प्रदेश के सांसद सब संग परामर्श शुरू कलक। कार्यदल रवि दिन से स्थानीय विकास मंत्रालय में शुरू कने परामर्श में सप्तरी जिला के प्रत्यक्ष निर्वाचित तथा समानुपातिक दिश से प्रतिनिधित्व केनिहार सांसद सब सहभागी छ। कार्यदल सोम दिन सिराहा महतरी आ धनसा से प्रतिनिधित्व केनिहार आ मंगल दिन सरलाही पर्सा बारा आ रोथर से प्रतिनिधित्व केनिहार सांसद सब संग परामर्श कर के कार्यतालिका तय कलक। सांसद सब संगक परामर्श के बाद कार्यदल सुझाव सहित प्रतिवेदन मंत्री परिषद में पेश करत। कार्यदल के सुझाव के आधार में स्थानीय तह पुनर्संरचना संबंधी विवाद के निष्कर्ष में पहुंचाब के तैयारी सरकार केने अछि। मंत्री परिषद बीतल माह 20 गते स्थानीय तह पुनर्संरचना संबंधी उपराग सुनकर सरकार के सुझाव देव स्थानीय विकास मंत्री हितराज पांडे के संयोजकत्व में उद्योग मंत्री नवीन्द्र राज जोशी आ आपूर्ति मंत्री दीपक पोहरा सम्मिलित 3 सदस्यीय कार्यदल गठन केने छल। समिति के आवश्यक सुझाव सहित प्रतिवेदन देव 15 दिनक समय सीमा देल गेल अछि। एहिसे आगू स्थानीय तह पुनर्संरचना संबंधी आयोग प्रतिवेदन के अंतिम रूप देव से आगू सेहो दू नंबर प्रदेश सँ प्रतिनिधित्व केनिहारी सांसद संग परामर्श केने छल। सर्वदलीय सहमति बिना केने प्रतिवेदन बुझाओल गेल कहित दू नंबर प्रदेश के पुनर्संरचना के संबंध में विवाद बढ़ला के बाद ओकर निष्कर्ष लगाब वह प्रदेश के सांसद सब संग परामर्श कयल गेल अछि। आब इंटरनेशनल न्यूज। गैरकानूनी रूप में अमेरिका में रही रहल आरोप में सयो आप्रवासी पकड़ाव पड़ल है। प्रहरी एक सप्ताह से शुरू के अनुसंधान आ छापा के क्रम में सयो आप्रवासी पकड़ाव पड़ल है। गैरकानूनी रूप में अमेरिका में रहल आप्रवासी के कार्रवाई कर के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंपक नीति अनुसार आप्रवासी ऊपर अनुसंधान शुरू भेल। प्रहरी कार्रवाई के बाद अमेरिका में रही रहल हजारों आप्रवासी तनाव में पड़ल। आप्रवासी प्रतिबंध लगाब के ट्रंप कार्यकारी आदेश के अमेरिकी अदालत प्रतिबंध लगाने संदर्भ में सरकार गैरकानूनी आप्रवासी ऊपर छापा तीव्र बनाने है। ट्रंप 3 सप्ताह आगू गैरकानूनी आप्रवासी के नियंत्रण कर के कार्यकारी आदेश में हस्ताक्षर केने छलथ। अमेरिका में 30 लाख आप्रवासी गैरकानूनी रूप में रह रहल कहे ट्रंप प्रशासन हुनका सबके देश निकाल कर के योजना बनाने है। वह योजना अनुसार प्रहरी गैरकानूनी रूप में रह रहल आप्रवासी सबके अनुसंधान के तीव्र बनाने है। एटलांटा शिकागो न्यूयॉर्क लॉस एंजल्स नॉर्थ कैरोलाइन साउथ कैरोलाइन लगायत के राज्य में रहते आयल आप्रवासी ऊपर प्रहरी छापा मारने वाशिंगटन पोस्ट जनौलक। प्रहरी छापा के कारण आप्रवासी समुदाय में त्रास उत्पन्न भेल। आप्रवासी के अधिकारक लेल कार्यरत विभिन्न संस्था से जनौने अछि देश निकाल कयल जाय वाला ट्रंप प्रशासन से अपराध के अभियोग लागल या अदालत से दोषी ठहर के आप्रवासी के तत्काल देश निकाल करत जनौलक। संघ के आईजीपी बनावे के निर्णय तत्काल कार्रवाई नहीं कर सरकार के सर्वोच्च आदेश। आईजीपी में चंदक नियुक्ति सरकार लापरवाही रहल नया शक्ति संयोजक डॉक्टर भट्टराय के आरोप आम अनशन में जनौलत एक के बदता। ललितपुर के संखमोल स्थित यूएन पार्क नजदीक के त्रिभुवन विश्वविद्यालय के शिक्षा अध्यक्ष सुधा त्रिपाठी के गाड़ी में आगजनी। सरकार में पहुंच के हड़बड़ी के कारण फास्ट ट्रैक के नाम में जल्दी जल्दी संविधान जारी कला सब परिणाम अखन देश भोग रहा पूर्व राष्ट्रपति यादव के कहब आ गैर कानूनी रूप में अमेरिका में रह रहा सयो आप्रवासी पकड़ाओ 30 लाख गैर कानूनी आप्रवासी त्रास में। अपन न्यूज अखन के लिए लतबे पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टीवी। नमस्कार।